वेलकम टू माय चैनल खुशी नील सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपने मायके में हूँ और मेरे से मिलने कौन आ रहा है आज, मैं आप लोग को वीडियो पे दिखाती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में, झारखंड में तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग के यहाँ कैसा गर्मी है प्लीज़ बताइएगा। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है सच में, बहुत ही ज़्यादा है। अभी मम्मी क्या क्या बना रही है मैं आप लोग को दिखाती हूँ, और मेरे से मिलने कौन आ रहा है वो भी दिखाऊंगी आप लोग को। वीडियो पे बने रहिएगा। मम्मी ना यहाँ चावल पीस रही थी। इसका पता है, चावल का ऐसा बनता है, जो झारखंड से होंगे ना उनको पता होगा ऐसा क्या होता है। वैसे नहीं होगा तो मैं वीडियो पे दिखा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। फिर ना वो चावल पिसाने के बाद ये गुड़ का जो बनता है ना, गुड़ उसमें फिर डाला जाता है गर्म पानी करके, गुड़ को उसमें डाला जाता है गर्म पानी में। फिर वो पीसा हुआ चावल को ना दादी फिर ऐसा बना रही थी। मैं किचन में ना फीस बना रही थी इसलिए दादी बाहर में बैठ के वही ऐसा बना रही थी। बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आपके यहाँ बनता हो तो। ये मेरी दादी है। फिर ना मैं किचन में अंदर फीस बना रही थी, दादी बाहर में बना रही थी। अभी ना मेरे यहाँ आने वाले हैं कुछ गेस्ट, इसलिए मैं फीस बना रही थी। फीस फ्राई करके एक साइड चावल बन रहा था। बहुत गर्मी भी थी ना किचन में, तो जानते हैं कितना गर्मी लगता है। मेरा फिश फ्राई हो गया, बहुत गर्मी सच में। फिर मैं भाई को बोली कि जाओ लस्सी लेके आना, बहुत गर्मी लग रहा है। तो वही भाई लस्सी लेके आया। क्या लेकर आए हैं बेटा? लस्सी। यम्मी लगता है लस्सी, बहुत पसंद है। लल्ला पसंद है लस्सी। भाभी का बेटा भी एक गिलास लस्सी लेके आया, वो भी पी रहा था। फिर मैं भी पीने लगी। फिर ना पता है फिर गर्मी कुछ कम लगा, बहुत यम्मी लगता है लस्सी, मेरा फेवरेट है। मैं मिलवाती हूँ। हेलो, ये नेहा है, अन्नू है, सब सिस्टर है मेरी, ये भाई है। ये मौसी की बेटी और मामा की बेटी मेरे से मिलने आई है। वही मैं बोल रही थी कि मैं आप लोग को मिलवाऊंगी, मेरे से मिलने कौन आ रहा है। फिर हम लोग ना सब कोई घूमने के लिए गए। मैं घर पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई ना, क्योंकि घर पे मैं बिजी थी इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जब ये लोग आए तब। फिर बोली ना कि चलिए दीदी घूमने चलते हैं। फिर वही हम लोग घूमने के लिए आए एक्यूरम। फिर हम लोग आए वहाँ, पता है इतना सारा कलरफुल फिश था ना, देख के एकदम मन खुश हो गया। मैं दिखाती हूँ आप लोग को, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। येल्लो येल्लो कलर का था, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत बड़ा था अंदर में। अभी ना इवनिंग में ज़्यादा भीड़ रहता है, बट हम लोग ना पहले आ गए थे इसलिए अभी खाली सा था, बस हम ही लोग थे अंदर में। फिर बाहर में भी बहुत सारा कलरफुल फिश है, देखिए कितना सारा है, लगता है देखते रहे बैठ के। बहुत अच्छा लगता है देखने में।
फिर ना हम लोग बाहर आ गए। देखिए बाहर से भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये बहुत बड़ा फिश बना हुआ है बाहर में भी। फिर हम लोग सिस्टर के साथ घूमे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।